guys, how are you? Today we shall read about the Pauli's exclusion principle. पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स, व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स और क्वांटम नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, और मैं उस वीडियो में आपको बताया था कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. लेट अस सी व्हाट इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इट वॉज गिवन बाई मिस्टर पाउली एंड ही सेड, उनके अनुसार किसी भी आइटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती. लेट अस सी, नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स. फिर से कह दे रहा हूं कि जैसे कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, सोडियम है, तो सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा, 9th 10th 7th 9th 11th 6th व्हाटएवर, एनी टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ द क्वांटम नंबर. इसी को कहते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसको मैं भी आपको बताऊंगा. इस पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पे जो इसका कंक्लूजन निकला, देयर आर फोर पॉइंट्स. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर पॉइंट्स वी कैन से द कंक्लूजन ऑफ द पाउलीज. नंबर ऑफ सबसेल्स ऑफ एन सेल, जैसे सेल की संख्या बेटा होती है 1 2 3 4, दिस इज द फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल. तो अगर हम इसमें सबसेल्स की संख्या जानना चाहें तो इट इज द nth सेल. तो पहले सेल में नंबर ऑफ सबसेल 1, दूसरे सेल में 2 सबसेल, तीसरे सेल में 3 सबसेल और चौथे सेल में 4 सबसेल. कैसे होगा, पहले सेल में 1s होता है, दूसरे में होगा 2s एंड 2p, तीसरे में होगा 3s 3p और 3d, चौथे में 4s 4p 4d एंड 4f. तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि किसी भी सेल में सब सेल्स की संख्या उस सेल की सीरियल नंबर के बराबर होती है टिल 4 1 2 3 4. अब आप ये कहेंगे पांचवें सेल में चूंकि नंबर ऑफ सेल्स आर 7, 7 पीरियड्स आर देयर इन द पीरियडिक टेबल, तो नंबर ऑफ सेल्स शुड बी 7. तो 7 का मतलब हो गया, अगर हम 4 के बाद चलें 5, तो क्या 5 में पांचवें सेल में क्या 5 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? नो, 4 ऑनवर्ड्स जितने भी सेल होंगे सब में सब सेल्स की संख्या जो होगी वो केवल और केवल 4 होगी. पहले में 1s यानी एक सब सेल, दूसरे में 2 सब सेल 2s एंड 2p, तीसरे में 3 सब सेल 3s 3p 3d, चौथे में 4s 4p 4d 4f ऑनवर्ड्स, मींस पांचवें में भी 4, छठे में भी 4, सातवें में भी 4. इस तरह से नंबर ऑफ सब सेल्स इन एनी सेल इज इक्वल टू n. दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सेल, किसी भी सेल में जो ऑर्बिटल्स की मैक्सिमम संख्या होगी वह n स्क्वायर होगी. n स्क्वायर का मतलब हो गया, अगर हम यहां दिखाना चाहें तो पहले सेल में एक ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे सेल में 2 2 4 होना चाहिए, तीसरे में 3 3 9 होना चाहिए और चौथे में 4 4 16 ऑर्बिटल शुड बी देयर. पहले में 1 ऑर्बिटल, दूसरे में 4 ऑर्बिटल, तीसरे में 9 ऑर्बिटल्स और चौथे में 16 ऑर्बिटल्स. हाउ टू वी कैन चेक, पहले बेटा 1 यानी s में केवल और केवल एक ऑर्बिटल होते हैं, फिर p में अगर हम बात करें तो s में 1 और p में 3, तो 3 + 1 = 4 ऑर्बिटल्स. spd, s में 1, p में 3 एंड d में 5, 5 + 3 8 + 1 = 9. लेट अस सी, 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 7 = 16. तो therefore it is indicating कि किसी भी सेल में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो n स्क्वायर के बराबर होते हैं. तीसरा पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए पर्टिकुलर सबसेल, किसी भी पर्टिकुलर सबसेल में जो ऑर्बिटल्स की संख्या होगी, जैसे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल. अब इन्हीं ऑर्बिटल्स को मिलाकर के अगर हम सबसेल बनाते हैं तो s सबसेल, p सबसेल, d सबसेल और f सबसेल. हमको पता है l की वैल्यू मैंने आपको क्वांटम संख्या में बताया था, यहां लिखना चाहूंगा s p d और f. तो s के लिए 0 1 2 एंड 3, इट इज द वैल्यू ऑफ l. तो l की वैल्यू होगी तो यहां 2l + 0. अगर हम s सबसेल की बात करेंगे 2 * 0 + 1 यानी 0 + 1 = 1. s सबसेल में 1 ऑर्बिटल, p
पी के लिखेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और डी के लिखेंगे 2 2 और 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और एफ के लिखेंगे 2 3 और 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7. तो इस तरह से वी कैन कंक्लूड दैट इज एस सबसेल कंटेन 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल्स कंटेन 3 पी ऑर्बिटल्स, डी सबसेल कंटेन्स 5 डी ऑर्बिटल्स, और एफ सबसेल कंटेन्स 7 एफ ऑर्बिटल्स. नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल शुड बी इक्वल टू 2n स्क्वायर. किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 2n स्क्वायर के बराबर होती है. तो इस तरह से दीज आर द फोर पॉइंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल. अब हम एग्जांपल के बेस पे आपको बताएंगे कैसे भी किसी भी एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती. वी कैन डिस्कस इट विद एन एग्जांपल. कोई भी आप एलिमेंट ले लें, कोई भी आप आइटम ले लें जिसकी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन का हम बताएंगे. सपोज के लिए कुछ भी लेना चाहे, मान लीजिए आप लेना चाहते हैं क्लोरीन एटम. क्लोरीन का एटम नंबर कितना होता बेटा? 17. लेट अस सी द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. तो वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू, अभी बाद में बताएंगे, यही फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द रैंडम पावर प्रिंसिपल या बोर बाय रूल. तो इस तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं, क्लोरीन की, तो क्लोरीन की अगर हम बात करें बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होगा 287. क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन शुड बी 287. हो गया. It means it is indicating in the first cell 2 electrons are there, in the second cell 8 electrons are there, and in the third cell 7 electrons are there. So, and now on the basis of the electronic configuration based on the Bohr body, we can say 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2 to 4 plus 6 10 plus 2 12 plus 5 is equal to 17 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. अब हमको इसमें कोई दो इलेक्ट्रॉन चूज करना है, व्हाट एवर यू वांट. एक तो लास्ट ले लें, एक कोई बीच का इलेक्ट्रॉन ले लें. सपोज के लिए वी आर गोइंग टू टेक 11th इलेक्ट्रॉन एंड 17th इलेक्ट्रॉन. कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे इस पर्टिकुलर क्लोरीन एटम के लिए. तो कौन सा ले लें बेटा? फॉर अगर आपको यहां से लेना होगा, मान लीजिए हम यहां ले रहे हैं फॉर 11th इलेक्ट्रॉन, फॉर 11th इलेक्ट्रॉन. अगर हम 11th इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लेट अस चेक, 2 प्लस 2 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, एंड प्लस दिस इज द 11th इलेक्ट्रॉन विल कम इनटू द एस सब सेल, इसी में आएगा. अब इसके पहले जो नंबर लिखा होगा वो क्या होगा? n इज इक्वल टू 3, यानी 11th इलेक्ट्रॉन के लिए n इज इक्वल टू 3 होगा. और ये किस सब सेल में होगा? ये एस सब सेल में है, तो एस सब सेल में n इज इक्वल टू 0. दो वैल्यू हो गई, और एल की वैल्यू अगर जीरो है तो एम की वैल्यू ऑलवेज जीरो. ये ध्यान रखिएगा, अगर एल की वैल्यू जीरो है तो एम की वैल्यू हमेशा जीरो होती है. और एस की जो वैल्यू होगी बेटा, इस एस में दो इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज द 11th इलेक्ट्रॉन. ये ध्यान रखेंगे, इसका पहला इलेक्ट्रॉन ही 11th इलेक्ट्रॉन होगा, और पहले इलेक्ट्रॉन का जो साइन होता है वो प्लस 1/2 होता है. तो इस तरह से वी हैव फोर क्वांटम नंबर्स, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0, एंड s इज इक्वल टू प्लस 1/2. अब इसमें से एक चीज मैं आपको बता दूं, मान लीजिए हम 11th इलेक्ट्रॉन ले लिए फॉर 12th इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया फॉर 12th इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको क्या एक सिमिलरिटी मिलेगी वो मैं आपको बताना चाहूंगा. इसलिए मैंने 12th इलेक्ट्रॉन लिया. 12th इलेक्ट्रॉन मींस 2 प्लस 2 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 और प्लस 2. This is the second electron of this subcell is known as the 12th electron. तो इसके लिए फिर मैं डालूंगा n is equal to 3. ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस subcell के पहले जो number लिखा है वो इसका cell होगा. अब n is equal to 3, l is equal to 0 because it is presenting to the s subcell. और l की value 0 होगी तो m की value भी 0 होगी, और s की value इसका दूसरा electron होगा तो -1/2. तो आपने यहां देखा कि द वैल्यू ऑफ n, l एंड m आर सेम, बट द वैल्यू ऑफ s आर डिफरेंट.
तो हम ये कह सकते हैं अगर लकली फोर क्वांटम नंबर्स में से किसी तीन की वैल्यू भी अगर सेम आ जाती है तो चौथे की वैल्यू अपने आप डिफर कर जाती है, दैट इज नोन एज द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दो कंक्लूजन इज सेम, दैट इज किसी भी एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती, अगर लकली किन्हीं तीन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम आ गई तो चौथे की वैल्यू अपने आप डिफर कर जाएगी, तो दिस वन इज द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आई होप अंडरस्टूड, तो ये बेटा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। इसको हम इस टॉपिक को ऐसे जानेंगे कि फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन द एटम्स, किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के निम्नलिखित तीन या द फॉलोइंग थ्री पॉइंट्स आर देयर। पहले कहते हैं अबाउ प्रिंसिपल, दूसरे कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरे कहते हैं हुंड्स रूल। चलिए अगर हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउ प्रिंसिपल, तो व्हाट इज द अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ मींस होता है टू बिल्ड, बनाना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इनटू द डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग एनर्जी के क्रम में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। हाउ टू चेक दैट इज इसका इसकी एनर्जी हमको कैसे फाइंड होगी, तो इसके रूल के हिसाब से हम लिखेंगे n plus l रूल। यही n plus l रूल इज इंडिकेटिंग दैट एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्बिटल। अब यहां मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस दिस अबाउ प्रिंसिपल। देखिए इस तरह से हमने इसको लिखा, इट इज 1s 2s 2p 3s 3p 3 सॉरी बेटा आई रिटन 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। ये क्या हो जाएगा 2p, फिर हो जाएगा 3p 4p 5p और 6p। ये हो गया 3d 4d 5d, ये हो गया 4f और 5f। जरा ध्यान देंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूं this is the first cell, this is the second cell, this is the third cell, fourth cell, fifth cell, sixth and seventh। तो पहले सेल में एक सब सेल केवल 1s, दूसरे में दो सब सेल 2s and 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, चौथे में 4s 4p 4d 4f, पांचवें में 5s 5p 5d 5f so on। तो इस तरह से जब हम इनका एनर्जी लेवल देखेंगे तो एनर्जी लेवल ऐसे होगा, this we can say 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5s 5p 6s 4f 5d 6p 7s and 5f। yeah. इस तरह से हम इसके एनर्जी लेवल की बात करेंगे, विच कैन कम इन द ऑन द बेसिस ऑफ द n plus l रूल। इसी n plus l रूल से अगर हमें ये देखना होगा, मान लीजिए हमने कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, व्हिच आई विल टेल यू लेटर। अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, कभी कभी n प्लस l रूल जो होता है, n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई। अगर ये वैल्यू सेम आ गई तो हम क्या करेंगे, सपोज के लिए सेम किसमें आ गया बेटा 3d एंड 4p, लेट अस सी
3D और 4P में इन दोनों में n की वैल्यू हो गई 3 और d की वैल्यू हो गई 2 which is equal to 5, n की वैल्यू हो गई 4 और p की वैल्यू 1 which is equal to 5, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब आप कैसे जानोगे किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है? इस 3 n plus l रूल में जिसके लिए n की वैल्यू कम होती है वह उसका मिनिमम एनर्जी वाला आर्टिकल कहलाता है। तो 3D has the n the value of n is equal to 3 and 4P is having the value of n is equal to 4. तो इस 3 की एनर्जी कम है और 4 की एनर्जी 3D से जाते हैं, तो ये 3D पहले आएगा और 4P, तो लिखेंगे 3D is less than 4P। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी किसी भी एलिमेंट के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। वह इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? n प्लस l रूल के बेस पे होगा। ओके बेटा, अब चलते हैं अगला जो पॉइंट है दैट इज नोन एज द सेकंड वन, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज इंडिकेटिंग दैट इज किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो वी कैन से दैट इज इन एन ऑर्बिटल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड एंड द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट टू ईच अदर। फिर से समझेंगे कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा, यानी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड एंड इन दोनों का स्पिन जो होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। नंबर तीसरा था बेटा होन्स रूल। व्हाट इज होन्स रूल? लेट अस सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होन्स रूल, होन्स ने कहा था किसी भी सबसेल में किसी भी सबसेल के किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग इस तरह से होगी कि जब तक सारे ऑर्बिटल किसी पर्टिकुलर सबसेल के सारे ऑर्बिटल में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं भर जाते तब तक उनकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल मैं लेके बता रहा हूँ, N7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 5 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p3 2 plus 2 4 plus 3 is equal to 2 plus 2 4 plus 3 is equal to 7 2 plus 5 is equal to 7। अब हमने यहाँ देखना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। 1s हमने यहाँ बना दिया, फिर 2s बना दिया और फिर यहाँ 2p बना दिया। 1s में ऑर्बिटल होते हैं बेटा 1, 2p में ऑर्बिटल होते हैं 1 और सॉरी 2s में 1 ऑर्बिटल और 2p में 3 ऑर्बिटल। दिस इज 1s, दिस इज 2s और दिस इज 2p। तो 1s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 2s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, यहां पे लिखा 2p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा 3 है। तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, देखिए ये 1 2 3, ओके 1 2 3, इस तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरा जो गया हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p3 एंड एक और ऑप्शन हो सकता है भरने का। अब मैं आपको बताऊं कौन सही है कौन गलत है। ऐसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर आपको भरना है तो आप ऐसे भर सकते हैं। यहां ध्यान से देखेंगे कि दिस इज इंडिकेटिंग हियर आल्सो 1s2 2s2 एंड 2p3, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, लेकिन इट इज द रॉन्ग प्रोसेस एंड इट इज द करेक्ट प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू हुंड, हुंड ने कहा था किसी भी सबसेल, भी सबसेल हो गया, किसी भी सबसेल के सारे ऑर्बिटलों में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते तब तक उनकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। यहां देखिए हम पहले ही ऑर्बिटल में पेयरिंग कर दिए थे जबकि ये वाला ऑर्बिटल खाली था, तो इट इज इनकरेक्ट मेथड। अकॉर्डिंग टू होन्स रूल वी कैन पेयर द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल एट लीस्ट बाय फिलिंग 1-1 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एंड एवरी ऑर्बिटल्स। जब तक हम सारे ऑर्बिटल्स में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर देते तब तक उनकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम देख सकते हैं, कैसे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जा सकता है या लिखा जा सकता है। अब चलिए जरा देखते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। ओके बेटा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले में दो इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, एंड चौथे में 9 इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। एक एग्जांपल मैं आपको लेकर बता रहा हूं, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शुड बी 2H12, बट इट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द बोर-बोरी पोस्टुलेट, इट शुड बी 2H13। मैं आपको बताया था कि क्यों ऐसा संभव है, क्योंकि इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर हाफ फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स, और इसमें ना तो हाफ फिल्ड है ना तो फुली फिल्ड है। अब इसको अगर हम बनाएं तो बन जाएगा बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d5, 4s1। यहां आपको बताना चाहूंगा, इट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द क्रोमियम, बट अब ये क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी लेवल्स, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स इट इज फिल्ड 1s2, पहले सेल में इतने, दूसरे सेल में इतने, तीसरे सेल में इतने और चौथे सेल में इतने। लेकिन अगर आप बाउ प्रिंसिपल के बेस पे n प्लस l रूल से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो चेंजिंग क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब इसमें और उसमें कंफ्यूजन है, इन दोनों में कंफ्यूजन है बेटा कि किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। 3d की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, और 4 इसकी वैल्यू होगी 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हो गया 4s1 पहले आएगा और 3d बाद में आएगा। इस तरह से वो था, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। तो देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दीस टू द ऑर्बिटल्स कैन बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीस थ्री पॉइंट्स, अबाउ प्रिंसिपल, पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉर्न रूल। इसमें हमने आपको एग्जांपल लेकर के बता दिया। अब इसका एग्जांपल पूछता है व्हाई इट इज नॉट करेक्ट, अगर हम इसको भरेंगे तो यहां जाएगा 3d4 और 4s2। तो 3d4 में d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसा कि मुझे पता है d सबसे में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होता बेटा तो ये तो ना तो हाफ फील्ड होता और ना तो फुली फील्ड होता। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टिंग फ्रॉम 4s ऑर्बिटल इन द 3d ऑर्बिटल्स फॉर occupying its half filled configuration which is more stable in comparison to this one. So therefore we can say the electronic configuration of chromium should be 2H13-1 instead of 2H12-2. So this is all about the electronic configuration and the rules by which we can fill the orbitals, we can fill the electrons in the orbitals of a particular atom. Thank you so much for watching. The next video, we will discuss the next topic. Thank you so much.